मेरा बेटा पैदा हुआ तो फिरिश्तों ने तीन झंडे लगाए थे, एक झंडा काबा की छत पे गाड़ा था, एक झंडा मशरिक में गाड़ा था, एक झंडा मगरिब में गाड़ा था। ए मेरे मुसलमान भाइयों, आज दुरुस्त के दिन जो तुम्हारे हाथों में झंडियां नजर आती है, ये बिदअत नहीं है, ये वही इब्राहिम की सुन्नत है। ये सबसे पहले झंडा लगाने वाले हजरत जिब्रील अमीन है, सुन्नत उसने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा ने वापस कर दिया। आमना फरमाती है, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे बेटे की शान अभी तुम समझ नहीं पाई हो। हजरत आमना अपने बच्चे को लेके मदीनातुल मुनव्वरा जाती है और जब वापस होने लगती है तो इनका भी वहां इंतकाल हो जाता है। मकामे हुआ में हजरत आमना का इंतकाल हो गया। उस वक्त हजरत आमना के पास एक बांदी थी जिसका नाम उम्मे अयमन था। वहीं हजरत आमना की तदफीन हो गई, मक्के में लाने की मोहलत नहीं मिली और उसने पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वहां से लेकर उम्मे अयमन लेके आया। बाप तो पहले ही इंतकाल कर गए थे, माँ का साया भी अक्सर से उठ गया, अब कौन सहारा बनेगा दादा जान रह गए। दादा की किफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए हैं। 8 साल की उम्र होती है, दादा का भी इंतकाल हो गया, अब कौन देखेगा। इंतकाल करने से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अब्दुल तालिब को बुलाया और कहा, ए अब्दुल तालिब, इसका सगा चचा सभी है, इसकी सही देख रेख नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तुझसे अहद पैमान लेता हूँ कि अपने बेटों से ज्यादा इसका ख्याल रखेगा, अपने बच्चों से ज्यादा इन्हें लाभ, इनको बेहतरीन से पालेगा, इसकी अच्छी तरबियत करेगा। ए अब्दुल तालिब, ये मैं तो ज्यादा पैमान लेता हूँ बाप होने की हैसियत से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है। अबू तालिब की यहाँ आपकी परवरिश हो रही है, अल्लाह पर तारीख गवाह है, अबू तालिब ने उस वादे को इस तौर पर निभाया, तारीख गवाह है कि अबू तालिब ने अपने बच्चों का उतना ख्याल नहीं रखा जितना ख्याल रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रखा है। 13 साल या 12 साल की उम्र होती है, अबू तालिब लोग के शाम जा रहे हैं तिजारत के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिद किया, ए चचा जान, मैं भी आपके साथ सफर में जाना चाहता हूँ। अबू तालिब ने कहा, बेटा सफर मुश्किल है, ये कोई ट्रेन या हवाई जहाज का सफर था नहीं। अबू तालिब ने कहा, बेटा सफर मुश्किल है, रास्ते में बहुत सारी परेशानी आती है, कभी डाकुओं का हमला होता है, कभी जानवरों का हमला होता है, सफर की सोबतें बहुत सारी होती है, मुश्किल होती है, इसलिए तुम मत जाओ। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से भी बैठ गए और कहने लगे, चचा जान मैं जरूर जाऊंगा, मुझे लेके चलिए, मुझे छोड़ के ना जाए। जब जिद करने लगे, अबू तालिब ये बात टाल ना सके क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाने लगे। वही जब चले, बहिराए राहिब एक राहिब था जो ईसाई लोगों का गिरजाघर में रहता था, उन लोगों का बड़ा आदिम बड़ा परहेजगार था, उसके यहाँ एक गिरजाघर था, गिरजाघर के करीब अबू तालिब अपने काफिले के साथ जाके वहाँ पड़ाव डाला, वहाँ कयाम किया। अब वो राहिब कभी अपने गिरजाघर से बाहर नहीं आता था, मगर उस दिन इत्तेफाक था कि अपने गिरजाघर से बाहर आया, काफिले को देखा, काफिले के सारे लोगों के चेहरों को देखा, हैरत में रहा, उसके बाद काफिले वालों के पास आया और कहने लगा, क्या हर साल तिजारत के लिए आते हैं, इसी जगह ठहरते हैं, मगर ये राहिब हमारी खबर तक लेने के लिए नहीं आते, मगर आज
लेकिन लोगों ने कहा ठीक है आप दावत कर रहे हैं, आपकी दावत हम लोग कबूल करते हैं, खाने में हाजिर हो जाएंगे। सारे लोग खाने में जा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 या 13 साल की है, आप अच्छे लग रहे थे। आपको कहा गया बेटा आप यहीं काफले में ठहर जाओ, हम लोग जाते हैं राहिल की यहाँ दावत खा के आते हैं। रसूल पाक ने फरमाया ठीक है, आप लोग तशरीफ लेके जाए। बहिरा राहिल के यहाँ सारे लोग दावत में चले, खाने के लिए बैठे हैं। राहिल ने देखा एक एक चेहरे को पढ़ा और पूछा क्या आप लोगों में कोई आदमी ऐसा है जो यहाँ मौजूद नहीं है, क्या उधर कोई रह गया है? लोगों ने कहा नहीं, सारे लोग पहुंच गए हैं, कने दोबारा जायजा ले लीजिए, शायद कोई आप लोगों में से यहाँ गायब है। तो लोगों ने कहा यहाँ एक बच्चा है। तो राहिल ने कहा सुनो सुनो, तुम लोगों को दावत करना मुझे मंजूर नहीं था, आज जो तुम्हें हमने दावत की है उसी बच्चे के वसीले से तुम्हारी दावत हुई है। तुम बारहाय जैसे सफर करते हुए आए हो, बारहाय जगह कयाम किए हो, मैंने तुम्हारी खैरियत कर लेने के लिए बाहर नहीं आया, मगर आज हमने तुम्हें दावत की है उसी बच्चे के तवस्सुल से दावत की है, जाओ बच्चे को लेके आओ, खाना दिया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां लेके आते हैं, सारे लोग दावतें खाते हैं। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से वो मुलाहजा करता है, घूर घूर के देखता है। देखने के बाद पूछा कि कौन इसका गार्डियन है? अबू तालिब ने कहा मैं इसका चचा हूँ। वो राहिल पूछता है क्या इनके वाले जिंदा है? कहा नहीं जिंदा नहीं है, इनका इनके पैदाइश से पहले विसाल हो गया। कहा इनकी वालिदा जिंदा है? कहा नहीं, कुछ साल पहले इनकी वालिदा भी इंतकाल कर गई है। कहा इनका दादा जिंदा है? कहा नहीं, इनका दादा भी इंतकाल कर गया है। किनकी किफारत में है? अबू तालिब कह रहे मेरी किफारत में है। कब तुम कौन लगते हो? कब मैं इनका चचा लगता हूँ। राहिल ने कहा ए अबू तालिब, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है। तो रात में जिनकी बशारत आई है, इंजील में जिनकी खुशखबरी आई है, ईसा ने जिनकी खुशखबरी सुनाई है, इब्राहिम ने जिनके लिए दुआएं की थी, वही वही बच्चा है, ये खातिर में पैगंबर आ है। ए अबू तालिब, मेरी राय यह है ने पहचान लेंगे, ईसाई ने पहचान लेंगे, वो इनके जानी दुश्मन है, अगर तुम उनके शाम पहुंच गए ऐसा ना हो तो यहूदी इस बच्चे को नुकसान है, ऐसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। अगर तुम भलाई चाहते हो तो यही सामान्य तिजारत करो, चलो बेच डालो, यही से अपना सफर खत्म करके वापस जाओ। तारीख बताती है अब तारीख ने जब ये देखा कि बच्चे को खतरा है, वही अपना सामान तिजारत बेचा। अबू तालिब कहते हैं मैंने जिंदगी भर जितनी तिजारत के सफर किए थे उतना नफा मुझे कभी नहीं हुआ था जितना नफा इस सफर में मिला। साल से कुछ महीने बाकी है, आपकी दयानतदारी, आपकी सदाकत, आपकी ईमानदारी, आपकी पाकबाजी, आपके अखलाक किरदार पूरे मक्के में इस तरह मुतारफ होते हैं, सारे लोग आपके किरदार की गवाही देते हैं, आपके अखलाक की गवाही देते हैं। इन गवाखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर अरब के लोगों ने आपको लकब दिया साजिकुल वादिल अमीन। वादे के सच्चे हैं, अमानतदार है। अगर साजिकुल वादिल अमीन बोला जाता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुराद होते। अब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अभी मुसलमान नहीं थी, अलबत्ता मुवहिद थी, बुत परस्त नहीं थी वो। आप बहुत बड़े मालदार खातून, तिजारत बहुत बड़ी आपकी फैली हुई थी, आपकी दो शादियां इससे पहले हो चुकी थी, मगर एक शौहर से शादी हुई, उनका इंतकाल हो गया, फिर दूसरे से शादी हुई, उनका भी इंतकाल हो गया। तो हजरत खदीजा ने यह फैसला किया कि अब मुझे शादी नहीं करनी, शौहरों का इंतकाल हो जाता है, अब तिजारत ही करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी है। बड़े बड़े सरदारों ने आपके यहाँ शादी का पैगाम दिया मगर हजरत खदीजा ने ठुकरा दिया। हजरत खदीजा को जरूरत थी कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उनके सामान तिजारत को लेकर दूसरे मुल्कों में जाए और तिजारत करके लेके आए तो कुछ नफा उनको भी दे दिया जाए, कुछ इनको भी दे दिया जाए, मगर ईमानदार आदमी जल्दी मिलते नहीं है।
हजरत खदीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के पास खबर भेजा अपने गुलाम मैसरा के जरिए कि आप जाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहो कि हमारा सामान तिजारत लेके वो जाए और जो नफा औरों को हासिल होने से मैं हिस्सा देती थी उससे कहीं ज्यादा इनको मैं हिस्सा दूंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम हजरत खदीजा जिस फरमाइश को कबूल कर लिए और हजरत खदीजा के माने तिजारत को लेकर वही मुल्क शाम का सफर कर रहे हैं। आपकी 24 से ज्यादा 25 साल की कम उम्र है, आप सफर कर रहे हैं, वही शहर बुसरा में पहुंचते हैं। वहां एक दरख्त है, वहां भी एक गिरजाघर है। उस गिरजाघर में बहिरा राय नहीं बल्कि नस्तूरा नाम एक राय वहां कयाम पजीर है। आप उसने पास सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे कयाम पजीर हुए तो क्या देख रहे हैं कि बादल आपके ऊपर साया है, हर तरफ धूप ही धूप है, रसूल पाक के ऊपर एक बादल साया किया हुआ है, आपको धूप है। नस्तूरा राय ने जब देखा तो बड़े हैरत में रहे और एक रवायत में हजरत ये आया कि वो दरख्त सूखा हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बैठने ही से उस दरख्त में पत्ते आ गए। नस्तूरा राहिब कहते हैं कि इस दरख्त पे अंबिया के अलावा कोई इसके नीचे बैठे नहीं है, आज जो बैठने वाला है कोई आम आदमी नहीं होगा। वो राहिब भी वहां से निकल के पूछते हैं कहाँ के रहने वाले हो, मक्के के रहने वाले हैं, और सारे हालात पूछने के बाद कहा आप ही वो नबी आप समा है, काश आप मेरा नबूवत करेंगे दुश्मन हो जाएंगे, अगर मैं उस वक्त जिंदा रहूं तो मैं आपकी मदद करता, मजहब की ताईद करता, आपका कदम चूमता, आपके मजहब से कबूल करता। फरमाया आप नबी आप समा है, आपके कुश्ती अनवर को देखा तो मोहर नबूवत वहां मौजूद था, उसको देख कर यकीन हो गया। नस्तूरा राहिब ने भी कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाए, अब तो यहूदी देखेंगे, परेशान करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सामान तिजारत फरोख करके वापस आ रहे हैं। काफला की आमद की खबर जब हजरत खदीजा को मिलती है तो हजरत खदीजा अपने बालाए खाने में बैठकर काफले की आमद को देख रही है। क्या देख रहे हैं कि धूप हर तरफ है और आपके ऊपर बादल का साया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, हजरत खदीजा सारी चीजें मुलाहजा कर रही है। जब काफले पहुंच गए नफा को देखकर बहुत खुश हुई तो अपने गुलाम मैसरा से खदीजा ने पूछा ए मैसरा, मैंने देखा कि तुम जब आ रहे थे तो हर तरफ धूप थी मगर ये मोहम्मद अरबी के ऊपर एक बादल का साया था, ये क्या मसला था? हजरत मैसरा ने कहा ए मेरी मालिका सुनो सुनो, ये यहाँ की बात नहीं है, जब मैं जा रहा था तो पूरे सफर में उनकी करामतें थी, आते वक्त भी ये करामतें देखी है। ये हालात देखने के बाद हजरत खदीजा का दिल रसूल पाक के पीछे लगा तो हजरत खदीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। जब निकाह का पैगाम भेजा अब जरा गौर कीजिएगा, ये आखिरी बात मैं बयान करके खत्म कर रखा हूँ। रसूल पाक की उम्र कितनी है? 25 साल पूरी हो गई। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। हाँ हाँ, क्या आज का कोई नौजवान पसंद करेगा एक 25 साल करियर जवान हो, वो भी पूरे अरब में सबसे हसीनो जमीन हो, पूरे अरब में नहीं पूरी दुनिया में सबसे काफिल हो, ना जिनके अखलाक का जवाब हो, ना उनके किरदार का जवाब है, ना उनकी गुफ्तार का जवाब है, ना उनकी रफ्तार का जवाब है। हुस्न का तो ये आलम है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ में कटी अंगुष्ठे सदा सच कहते हैं उनके नाम पर मर्दान अरब। अरे हजरत यूसुफ का हुस्न ये था कि औरतों की उंगलियां कट गई थी, काटे नहीं थे, मगर मुस्तफा के हुस्न का ये आलम है कि यहाँ उंगलियां नहीं कटाते, अपने सर कटाने के लिए कुर्बान थे। मुश्रिकों ने गिरफ्तार किया था आपको फांसी देने के लिए, तख्तेदार पर चढ़ाया, आपके गले में फांसी का फंदा लटका दिया गया और मुश्रिकीन ने हजरत खुबैब से पूछा था ए खुबैब जरा ये बताओ अगर तुम्हें
आपसे ऐसी मोहब्बत, जब आप गज़वाए बदर के लिए सहाबा किराम से मशवरा कर रहे थे कि देखो कुफार मैदान बदर में हाजिर हो गए हैं, हमारे खिलाफ जंग करने के लिए तैयार है, ऐ मेरे साथियों जानसारों तुम्हारा मशवरा क्या है? मुहाजिरीन ने कहा या रसूलल्लाह फिदा का अभी वो उम्मीद, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है, आप जैसा हुक्म फरमाएंगे हम राजी है। अंसार की अभी कोई आवाज नहीं आई थी, दोबारा रसूल पाक ने मशवरा तलब किया। हजरत साद में उबादा खड़े होते हैं, या रसूलल्लाह लग रहा है कि शायद आप अंसार से मशवरा मांग रहे हैं। सरकार ने फरमाया हाँ। तो हजरत साद में उबादा ने कहा या रसूलल्लाह हमने आपको अल्लाह का नबी माना है, आपको कलमा पढ़ा है, आपके दीन को अपना दीन बनाया है, सारे गलत दीनों को हमने छोड़ दिया है, बुतों की हम पूजा करते थे तर्क कर दिए हैं, आपके कहने पर हमने एक खुदा को खुदा माना है, आपको हमने नबी माना है, आप जो किताब लाए हैं हम तो आखिरी किताब मानते हैं, या रसूल अल्लाह हम आप पर ईमान लाए हैं, आपसे तो ये मोहब्बत है, आप कह रहे हैं कि आपकी क्या राय है, ए अल्लाह के नबी अगर आप हमें ये कहे कि समंदर में कूद जाओ तो आपके हुक्म की तामील करते हुए हम लोग समंदर में कूद जाएंगे, हम ये नहीं देखेंगे समंदर में कूदने के बाद क्या हो रहा है, हम ये देखेंगे मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं। ऐसे रसूल पाक के दीवाने थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आला किरदार के मालिक है, 25 साल उम्र है, 40 साल बेवा खातून है, दो शादियां पहले हो चुकी है, 4 बच्चे पहले हो चुके हैं, वो खातून पैगामे निकाह रसूल पाक को दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया के ताजदार है, जिनके किरदार का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है, जिनके हुस्न का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है, वो रसूल पाक अपने चचा से मशवरा कर रहे हैं। हजरत अबी तालिब ने कहा ठीक है रिश्ता कबूल कर लिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा के साथ हुआ। आखिरी में जो पॉइंट बताना चाहता हूँ मुसलमानों, इस रिश्ते को रसूल पाक ने कबूल किया, क्या रसूल पाक को दौलत की जरूरत थी? नहीं। रसूल पाक खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया, ऐ मुहम्मद तुम बादशाही जिंदगी चाहते हो या फकीरी गरीबी वाली? रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैंने गरीबी वाली जिंदगी पसंद की। सरकार फरमाते हैं आयशा अगर मैं चाहूं इशारा कर दूं ये पहाड़ सोने का बन के मेरे पीछे चलने लगे। रसूल पाक को दौलत की जरूरत नहीं थी, एक बेवा खातून से रिश्ता कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है तारीख के पस मंजर मुलादा कमाओ। बात यह है वो वक्त ऐसा था अगर कोई खातून की शादी होती थी इत्तेफाक से उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, उसके शौहर का इंतकाल बीमारी से हो आजारी से हो किसी वजह से हो, उस उपार उस खातून को मानते थे कि ये औरत है ये उबादत है, इसकी वजह से इसके शौहर का इंतकाल हो गया है, सारे पूरे मुआशरे में उस औरत को इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे बल्कि जिन्नत की निगाह से देखते थे। बाद इलाकों की तारीफ थी कि उसके शौहर के साथ साथ उस औरत को भी जिंदा जला दफन कर दिया जाता था। यह है जहां जलाने का रिवाज था उस औरत उस शौहर के साथ साथ उस जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था। बाद इलाकों की तारीख यह मिलती है कि जलाना तो नहीं जाएगा अलबत्ता जिंदगी भर उससे कोई शादी नहीं करेगा, उसको शादी करने की इजाजत नहीं है। 25 साल की उम्र में एक बेवा खातून शादी का पैगाम दे रही है, रसूलुल्लाह उसको कबूल करके एक बेवा को गले लगा रही है, गले लगा के दुनिया को पैगाम देना चाहता है, ए लोगों वो तुम्हारा भी दादा था वो तुम लोगों का धर्म था, क्या ऐसा सुहागन को तुम उबादन बना रहे थे, आज बेवा उबादन को 25 साल मोहम्मद उस उबादन को सुहागन बनाने जा रहा है। अल्लाह अकबर, एक बेवा से खातून बेवा खातून से निकाह करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं के इज्जत को और इतनी चार चांद लगा के उनके मकाम को मेरा अता फरमा दिया, वरना बेवाओं की शादी नहीं होती थी। फिर रसूल पाक देखे एक ही बेवा से नहीं, सिर्फ हजरत आयशा है जो कुंवारी है, बाकी जितनी शादियां हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं से दो वजह थी, एक तो उनकी मदद हो जाए, दूसरी बात अरब का जो घिनौना माहौल था कि बेवाओं से शादी करना नहीं गए उस माहौल को तोड़ना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम पूरी दुनिया को बचाने के लिए, पूरी दुनिया की रहबरी के लिए, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए तशरीफ लाए। उसने बात फरमाते हैं कोई मकारिम अखलाक अल्लाह ने मुझे इसलिए महफूज फरमाया है ताकि अच्छे अखलाक को पाए तरमीम तक मैं मोहम्मद ताला से दुआ है तेरा तबारक व ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को समझने उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वा अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।